छपरा में आज संकुल स्तरीय प्रधान आचार्य बैठक। छपरा शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में फणिन्द्र नाथ झा, विभाग निरीक्षक सीवान एवं स्थानीय अध्यक्ष श्री सुरेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें छपरा संकुल के 6 विद्यालय के प्रधान आचार्य उपस्थित हुए। संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए प्रत्येक आचार्य को 10-10 लोगों को जोड़ना है, साथ ही सभी विद्यालय को निबंधन कराने को लेकर प्रेरित करना है। संकुल के विद्यालय, जिन 6 विद्यालयों ने बैठक में भाग लिया, उसमें सरस्वती विद्या मंदिर छपरा, अनुराधा सरस्वती शिशु मंदिर, सिताब दियारा सारण सरस्वती विद्या मंदिर धनोरा, भिकम सिंह सरस्वती शिशु मंदिर, खाकी मठिया सरस्वती शिशु मंदिर, मांझी सरस्वती शिशु मंदिर, बागाकोल मुख्य रूप से शामिल थे। वहीं शिक्षकों और छात्रों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वैसे इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक और उससे लोगों को जोड़ना है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। विद्यालय के तो बच्चे भाग लेंगे ही, सभी बच्चे चतुर्थ से लेकर द्वादश तक के बच्चे भाग लेंगे, और समाज के अन्य विद्यालयों, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी विद्यालयों से संपर्क करके वहाँ के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वो उन बच्चों का ये भी परीक्षा होगी, ये दिसंबर माह में ये परीक्षा होगी और फिर रिजल्ट बन के उसका जाएगा कुरुक्षेत्र, जहाँ हमारा अखिल भारतीय संस्थान है, वहाँ से प्रमाण पत्र फिर आएगा उनको अगले साल जनवरी में। छपरा संकुल के अंतर्गत कुल 6 विद्यालय हैं, छपरा, मांझी, सिताब दियारा, खाकी मठिया, धनोड़ा और बागाकोल में अपना विद्यालय है। संस्कृति बोध परियोजना 1980 से चली आ रही है। भारत की संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, इस निमित्त 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 15 दिनों का यह महाअभियान चल रहा है। इसमें प्रत्येक हमारे आचार्य जी समिति के सदस्य, पूर्व छात्र, पूर्व आचार्य 10-10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे और अपनी संस्कृति की बात बताएंगे और इस परीक्षा में उनको बैठाएंगे और परीक्षा में सहभागिता प्रमाण पत्र भी मिलेगा, और इसके साथ अगर आकर्षक उनको प्रमाण पत्र के साथ कुछ साहित्य भी दिया जाएगा, कुछ पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यह पूरे देश भर में यह अभियान एक लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले हैं। निश्चित रूप से इसमें हम सब लोग लगेंगे, सबकी सहभागिता होगी तो सफलता जरूर हम सबको मिलेगी।